गोइल 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 मोबाइल मिल जाए मोबाइल है कि गंगा का कहर तो है ही है यहाँ पे हम सब लोगों के लिए जनप्रतिनिधियों का कहर है और जिला प्रशासन का कहर है। कितने मकान टूटे हैं कि गिर गए हैं? मकान यहाँ दर्जन से ज्यादा मकान गिर गए समाहित हो गए जल में। हाँ। और इसका वजह एकमात्र जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो आश्वासन दे करके आज तक इन लोगों को प्रोजेक्ट देने के लिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप लोगों के बचाव के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और शासन द्वारा आज तक इनका धन स्वीकृति नहीं हुआ, किसी तरह का प्रशासनिक जो है सहयोग नहीं मिला, ना कोई प्रोजेक्ट यहाँ बना बाढ़ बचाओ। कटान तो हो रहा है निश्चित रूप से, जो क्षेत्र रिंग बंदे से प्रोटेक्टेड है उसको तो हम लोग पूरी तरह सुरक्षित रखे हुए हैं, परंतु जहाँ रिंग बंदा नहीं बना, जैसे आपके सामने केहरपुर गांव दिख रहा है, ये रिंग बंदे से प्रोटेक्टेड नहीं है जी। और सीधे नदी की धार इसको टकरा रही है जी। कल यहाँ पर कुछ नुकसान हुआ है? क्या नुकसान हुआ है सर? कल यहाँ पर एक पानी की टंकी जी, ओवरहेड टैंक धराशायी हो गया है, विद्यालय धराशायी हुआ है, और मकान भी सर विलीन हुआ, छह लोगों के मकान भी गिर रहे हैं।